हेलो एवरीवन आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन सिविल इंजीनियरिंग में और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंक्रीट से रिलेटेड कुछ टॉपिक जैसे कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और जो फैक्टर अफेक्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट उसके बाद जो अपन सेवन डेज ट्वेंटी एट डेज और सॉरी सेवन डेज फोर्टीन डेज ट्वेंटी एट डेज पे जो टेस्टिंग करते हैं तो डिफरेंट ग्रेड्स के लिए कितने कितने स्ट्रेंथ आना चाहिए ये सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इज़ द कैपेसिटी ऑफ मटेरियल और इस्ट्रक्चर टू रेसिस्ट और विथ ड्रॉन विथ स्टैंड सॉरी विथ स्टैंड अंडर कंप्रेशन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये है कि मटेरियल और इस्ट्रक्चर कोई भी हो वो कंप्रेशन को कितना झेल सकता है मीन्स कंप्रेशन जो उस पर कंप्रेशन फोर्स जो लगाएंगे हम उसमें तो वो कितना बर्दाश्त कर सकता है कब तक उसको सह सकता है उसी स्ट्रेंथ को जिस जहाँ तक वो सह सकता है जिस जिस फोर्स तक को वो सह सकता है वो उसके लिए उसका स्ट्रेंथ हो जाएगा और उस स्ट्रेंथ को हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलेंगे अगर आप ये चीज़ देखेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ही काहे चेक किया जाता है कंक्रीट का क्योंकि कंक्रीट में ऐसा एक प्रॉपर्टी है कि ये एक कंप्रेशन मेम्बर रहता है मीन्स ये कंप्रेशन जोन इसका स्ट्रॉन्ग रहता है लेकिन अगर टेंशन का बात करें तो यह टेंशन में फ़ेल हो जाता है ड्यू टू एबसेंस ऑफ कोई भी उसमें रेनफोर्समेंट नहीं होने के कारण से जो अपना कंक्रीट रहेगा वो टेंशन में फ़ेल हो जाता है लेकिन उसमें कंप्रेशिव फोर्स जो है वो कंप्रेशन जो है कंप्रेशिव फोर्स को जो है वो रजिस्ट करता है जितना उसका स्ट्रेंथ है उतना रजिस्ट करेगा वो उसमें वो उसके लिए ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है उसका अच्छा रहता है लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ का बार करें कि टेंशन जो रहता है उसमें टेंशन को ज़्यादा नहीं बर्दाश्त कर पाता है कंक्रीट इसीलिए इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है ठीक है तो दो कम द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल इज़ डिटरमाइंड बाय द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेसिस्ट फेलियर इन फॉर्म्स ऑफ क्रैक्स एंड फ्यूजेस जो ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है इसको डिटरमाइन कैसे करते हैं इज डिटरमाइंड बाय द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेसिस्ट मटेरियल जो है वो कितना रेसिस्ट कर सकता है क क कितना रेसिस्ट कर सकता है कब तक उसमें क्रैक नहीं आ रहा है जब तक क्रैक नहीं आ रहा है मतलब तब तक वो रेसिस्ट कर रहा है कंप्रेसिव फोर्स जो उस पर लग रहा है जहाँ पे क्रैक आ जाएगा जिस लोड पे क्रैक आ जाएगा वो लोड उसका फेलियर लोड हो जाएगा और उससे पहले जो लगा हुआ लोड रहेगा वो लोड पे वो उसका क्या है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसका हो जाएगा ठीक है इन द टेस्ट द पूज फोर्स अप्लाइड ऑन द बोथ फेस ऑफ कंक्रीट एस्पेसिमिन एंड मैक्सिमम कंप्रेशन दैट कंक्रीट बेयर्स विदाउट फेलियर इज नोटेड और जो मैक्सिमम कंप्रेशन जो होता है वो फेलियर से पहले विदाउट फेलियर वो मैक्सिमम कंप्रेशन कितना रेसिस्ट कर पा रहा है कंक्रीट उसको नोट किया जाता है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ 150 फिफ्टी एम साइज़ कंक्रीट क्यूब्स टेस्टेड एट 28 डेज जो अपन 150 हंड्रेड mm फिफ्टी का जो लेंथ ब्रेथ हाइट रहता है जिस क्यूब का उस क्यूब को टेस्ट करते अपन ट्वेंटी डेज के बाद और वो कितना मैक्सिमम कंप्रेस कंप्रेसिव फोर्स को कंप्रेशन को वो रेसिस्ट करता है बेयर कर सकता है फेलियर uh, होने से पहले उसको नोट करते हैं और वो अपना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगा कंक्रीट का ठीक है तो अब आगे देखते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग कम फैक्टर अफेक्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कंक्रीट का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रहता है उसमें क्या सब वैसा चीज़ है जो कि अफेक्ट कर सकता है जैसे कि कोर्स एग्रीगेट होता है एयर इंटरमेंट उसके बाद वाटर सीमेंट रेस्यू जो वाटर इंट्रीमेंट है मीन्स इसका मतलब है कि जो कंक्रीट में जो एयर उसमें ट्रैप हो जाता है इंट्रैप्ट हो जाते हैं तो उसके कारण से वहाँ पे वॉइट आ जाते हैं उस और जो जो उसमें वॉल्यूम जो उसका मटेरियल उसमें लगना था उतना मटेरियल नहीं लगेगा और उसमें स्ट्रेंथ कमी स्ट्रेंथ का कमी आ जाता है जो कोर्स एग्रीगेट का अगर बात करें तो कोर्स एग्रीगेट का जो थर्मल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के कारण से क्या होता है कि उसमें जो माइक्रो क्रैक्स आ जाएंगे एक दूसरे के बीच में है ना तो इन सब के कारण से भी इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो कम हो जाता है अगर वाटर सीमेंट रेशियो का बात करें कि अगर अपन को ज़्यादा वाटर पानी मिल गया तो उसमें क्या होगा कि उसका स्ट्रेंथ कम आ जाएगा जैसे कि वी आर ऑल वेरी अवेयर ऑफ हाउ एक्सेस वाटर कैन बी हार्मफुल टू द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट सीमेंट being the major binding material in the concrete need water for hydration process but that is only limited to about 0 0.2 0 0.20 to 0.25 percent of cement content the excess water turns out to be uh, beneficial in contributing to what wor uh, workability and finishing of concrete है ना इसका जो स्ट्रेंथ में वो इफ़ेक्ट करता है लेकिन जो अपना कंक्रीट का जो वर्केबिलिटी और फिनिशिंग पर्पस के लिए वो काम आ सकता है लेकिन कंक्रीट का स्ट्रेंथ में वो फ़र्क पड़ता है अगर ज़्यादा वाटर डाल रहे हैं तो उसके बाद जो है ये अपना कोर्स एग्रीगेट का अगर बात करें तो कोर्स एग्रीगेट इज़ मेड होमोजीनियसली होमोजीनियस बाय मिक्सिंग एग्रीगेट्स एंड सीमेंट वाटर एंड वेरियस अदर एट मिक्सचर बट इवन विद प्रॉपर मिक्सिंग देयर मे अराइज सम माइक्रो क्रैक्स ड्यू टू डिफरेंस इन थर्मल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड सीमेंट मेट्रिक्स व्हिच लीड्स टू फेलियर ऑफ कंक्रीट है ना वो जो मिक्स अपन बहुत अच्छे से करते हैं उसको बहुत अच्छे से लेइंग करते हैं लेकिन थर्मल uh, और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के कारण से उसमें माइक्रो क्रैक्स अराइज हो सकते हैं और जिसके कारण से स्ट्रेंथ में कमी आ सकता है एयर इंट्रेनमेंट जो है इसमें एयर इंट्रेनमेंट में है कि एयर इंटरेनमेंट इन कंक्रीट वॉज वन ऑफ द कंसेप्ट डेवलप्ड बाई कोल्ड कंट्रीज़ इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डैमेज ड्यू टू फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग लेटर ऑन एंड एक्सपेरिमेंटेशन प्रूव्ड मल्टी डायमेंसनल बेनिफिट्स ऑफ एयर इंट्रेनमेंट अलॉट विद इम्प्रूव द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट एट लो वाटर सीमेंट रेशियो है ना इसमें है कि वाटर वर्केबिलिटी के लिए सही भी है लेकिन इसका स्ट्रेंथ में कमी आ जाता है ठीक है तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं कंक्रीट के स्ट्रेंथ में अब हम देखते हैं वाई डू वी टेस्ट कंक्रीट फॉर सेवन फोर्टीन एंड ट्वेंटी एट डेज तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि परसेंटेज ऑफ स्ट्रेंथ गेंड गेन इन डिफरेंट एज ऑफ कंक्रीट अगर पहले दिन फर्स्ट डे जो है कंक्रीट सिक्सटीन परसेंट स्ट्रेंथ को जो है उसका जो स्ट्रेंथ है जैसे कि एम फाइव है तो फाइव न्यूटन पर एम एम स्क्वायर वो उसका स्ट्रेंथ होना चाहिए ट्वेंटी एट डेज के बाद तो वो पहले दिन फाइव न्यूटन पर एम स्क्वायर का सिक्सटीन परसेंट स्ट्रेंथ गेन कर लेगा थ्री डेज़ में वो फोर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट गेन कर लेगा सेवन डेज़ में वो सिक्सटी फाइव परसेंट गेन कर लेगा और नाइन्टी डेज़ में वो फोटीन सॉरी फोर्टीन डेज़ में वो नाइन्टी परसेंट गेन कर लेगा और ट्वेंटी वन डेज़ में वो नाइन्टी फोर परसेंट कर लेगा और ट्वेंटी एट डेज़ में नाइन्टी नाइन परसेंट कर लेगा ठीक है उसके बाद है कि कंक्रीट गेन मैक्सिमम स्ट्रेंथ है ट्वेंटी एट डेज सिंस इट कंस्ट्रक्शन सेक्टर ग्रेट अमाउंट ऑफ कैपिटल इज़ एट स्टेक सो इंस्टीड ऑफ चेकिंग ए स्ट्रेंथ ऑफ ट्वेंटी एट डेज वी कैन चेक ए स्ट्रेंथ इन टर्म ऑफ कंक्रीट स्ट्रेंथ इन सेवन डेज एंड फोर्टी एट डेज टू प्रिटिक द टारगेट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर अपने को ट्वेंटी एट डेज नहीं वेट करके अपन अगर सेवन और फोर्टीन डेज का चेक कर रहे हैं और जो इसका परसेंटेज बताया जा रहा है उस परसेंट के रिस्पेक्ट में अगर स्ट्रेंथ आ रहा है तो मीन्स इसका ट्वेंटी एट डेज में भी उतना स्ट्रेंथ आ जाएगा जितने अपने को चाहिए है है ना उसके बाद फ्रॉम द टेबल इट इज़ क्लियर दैट कंक्रीट गेन 16 परसेंट ऑफ़ द स्ट्रेंथ विद इन ट्वेंटी फोर आवर द कंक्रीट गेन सिक्सटी फाइव परसेंट ऑफ द टारगेट स्ट्रेंथ बाई द टाइम ऑफ सेवन डेज ऑफ इट्स कास्टिंग टिल फोर्टीन डेज कंक्रीट सोज नाइंटी परसेंट ऑफ़ द टारगेट स्ट्रेंथ एंड देयर फोर देयर फोर द गेन इन अ स्ट्रेंथ स्लो डाउन एंड इट टेक्स ट्वेंटी एट डेज टू अचीव नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ स्ट्रेंथ ठीक है तो ये सारी चीजें है और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इनको इस पर आपको ध्यान देना रहता है या आप अच्छे से लर्न कर लीजिए कि फर्स्ट डे कितने स्ट्रेंथ ये गेन करता है सेक थर्ड डेज सेवन डेज और फोर्टीन ट्वेंटी एट डेज आपको मेन है सेवन डेज फोर्टीन डेज और ट्वेंटी एट डेज़ का याद रखना है सेवन डेज में ये सिक्सटी फाइव परसेंट है जो अपना इसका स्ट्रेंथ होता है उसको गेन करता है फोटीन डेज में नाइन्टी परसेंट और ट्वेंटी एट डेज में नाइन्टी नाइन परसेंट ठीक है तो ये सारे चीज़ हैं इसमें उसके बाद यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट अब यहाँ पे ग्रेड है डिफरेंट ग्रेड है और उस ग्रेड का जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सेवन डेज़ में वो कितना हल आएगा उसके बाद थ्री डेज सेवन डेज़ फोरटीन डेज़ और ट्वेंटी एट डेज़ में कितना कितना आएगा उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ये दिया गया है आप देख सकते हैं एम टेन से लेके एम फिफ्टी तक M10 का एम टेन का थर्ड डे पे फोर न्यूटन पर एम स्क्वायर स्ट्रेंथ आ जाना चाहिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट सेवन डेज़ में सिक्स और ट्वेंटी डेज़ में टेन न्यूटन पर एम एम स्क्वायर जो स्ट्रेंथ है वो आ जाना चाहिए तो ऐसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट जो कंक्रीट के ग्रेड हैं उन सारे ग्रेड के लिए थ्री डेज सेवन डेज फोर्टीन डेज और ट्वेंटी एट डेज के लिए स्ट्रेंथ यहाँ पे कैलकुलेट करके दिया गया है तो यहाँ से आप देख सकते हैं ठीक है उसके बाद नोट है कि एज़ पर आई एस फाइव वन सिक्स वन नाइन फाइव नाइन मिनिमम थ्री स्पेसिमिन शुड बी टेस्टेड एट इज सेलेक्टेड एज दैट मीन्स थ्री स्पेसिमिन एट सेवन डेज थ्री एस्पेसिमिन एट फोर्टीन डेज एंड ट्वेंटी एट डेज इफ़ ए स्ट्रेंथ ऑफ एनी स्पेसिमिन वेरीज़ बाई मोर देन फिफ्टीन परसेंट ऑफ एवरेज स्ट्रेंथ सच स्पेसिमी शुड बी रिजेक्टेड ठीक है इसमें यह बोला जा रहा है कि आपको जैसे टेस्टिंग करना है अगर सेवन डेज़ का करना है तो उसके लिए थ्री टेस्ट रहना चाहिए और तीनों का एवरेज लेना रहता है और एवरेज से स्ट्रेंथ निकालना रहता है अगर सेवन डेज़ के लिए हो गया फोर्टीन डेज़ के लिए भी आपको तीन सैंपल ट्वेंटी एट डेज़ के लिए भी तेन तीन सैंपल तो एक कंक्रीट के लिए अगर एक कोई भी टेस्ट कर रहे हैं आप तो उसके लिए थ्री थ्री सिक्स थ्री नाइन नाइन कंक्रीट एक सेट के लिए आपको बनाना होगा क्यूब्स नाइन कंक्रीट क्यूब्स और फिर थ्री थ्री टेस्ट करना होगा और तीनों का एवरेज करके उसका फाइनल जो आप जैसे कि सेवन डेज पे कर रहे हैं तो तीनों स्पेसिमिन का एवरेज स्ट्रेंथ को लेंगे जो कि उसका स्ट्रेंथ हो जाएगा उस दिन के लिए ऐसे करके बढ़ना है इफ़ स्ट्रेंथ ऑफ एनी स्पेसिमिन वेरीज़ बाय मोर देन फिफ्टीन परसेंट ऑफ एवरेज स्ट्रेंथ अगर पंद्रह जो अपना एवरेज स्ट्रेंथ है उससे पंद्रह परसेंट ज़्यादा वेरी कर रहा है कोई भी स्पेसमिन तो उसको रिजेक्ट कर देना है ठीक है तो ये सारे गाइडलाइन है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए ठीक है अब यहाँ पे हम आपको दिखा दें कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैलकुलेशन कैसे करते हैं तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द स्पेसिमिन कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग मैक्सिमम लोड कैरीड बाय द स्पेसिमिन बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्पेसिमिन क्यूब मींस जो एक पिक वैल्यू आता है वहाँ पे आपको एक वीडियोस भी हम एक वीडियोज़ है हमारे हमारे चैनल पर जहाँ पे कि आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेकिंग बाई सी मशीन है एक वीडियो वहाँ पर दिया गया है कि एक अपने को पिक वैल्यू आता है जहाँ पे अपना जो कंक्रीट है वो कंक्रीट फेल होता है क्रैक्स डेवलप हो जाता है तो वही यहाँ पे लेना है उसी को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए मैक्सिमम लोड ये हो जाएगा आपको और एस्पेसिमिन का जो एरिया है उससे डिवाइड कर देना है तो सरफेस एरिया ऑफ एस्पेसिमिन निकालने के लिए 150 हंड्रेड फिफ्टी लेंथ इंटू वन कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एरिया उसके बाद एज्यूम द मैक्सिमम कंप्रेसिव लोड इज़ फोर किलो न्यूटन तो ये हो गया अब उसके बाद आपको वन किलो न्यूटन को इसको होता है थाउजेंड न्यूटन होता है तो इसको न्यूटन में चेंज कर लीजिए और उसके बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंड निकालने के लिए इसको डिवाइड कर दीजिए जो अपना लोड है उसको न्यूटन में कन, कन, अ, कन्वर्ट करके और जो अपना एरिया है उस एरिया को डिवाइड कर दीजिए एम एम स्क्वायर में कन्वर्ट करके तो ये हमारा आ जाएगा ट्वेंटी न्यूटन पर एम एम स्क्वायर जो है ये अपना आ जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो इसी रिस्पेक्ट में हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं और इसको अगर आपको और भी अच्छे से अगर समझना हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास ये फार्मूला है और ये क्यूब है ये क्यूब एरिया का एरिया निकालने का यहाँ पे दिखाया गया है कि कैसे एरिया निकलेगा तो ऐसे करके आप जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं ये अपने को जो मैक्सिमम लोड है ये सी मशीन में जब हम क्यूब को रखते हैं और उसमें जो कम्प्रेसिव फोर्स लगाते हैं तो वहाँ से अपने को मिलेगा ये अपना मैक्सिमम लोड और जो अपना एरिया है वो एरिया तो अपन नॉर्मली कैलकुलेट कर ही सकते हैं जो क्यूब रहता है वो फिफ्टीन सेंटीमीटर का ही रहता है हर जगह तो स्टैंडर्ड साइज़ है वो क्यूब है ना तो वहाँ से एरिया आपका फिक्स ही रहेगा बस आपको मैक्सिमम लोड वेरी करेगा और वो आप अपने को सी मशीन में टेस्ट करके लेना होगा ठीक है अब इसके बाद यहाँ पे देखिए द सेम कैलकुलेशन इज़ डन फॉर द स्पेसिमिन एट डिफरेंट एजेज एज स्टेटेड बिलो तो यहाँ पे देख लीजिए आपकी सेवन डेज़ के लिए दिया गया है कैलकुलेशन फ़ोर्टीन डेज़ के लिए दिया गया है ट्वेंटी एट डेज़ के लिए दिया गया है तो यहाँ सारे कैलकुलेशन हैं ये कैलकुलेशन आप देख लीजिए और कैलकुलेशन देखने के बाद एक बार इसको आप ट्राई करिए खुद से है ना और जो आपको हम बताए थे कि इसका जो एक क्राइटेरिया है जो परसेंटेज क्राइटेरिया है मीन्स आपको सेवन डेज़ में सिक्सटी फ़ाइव परसेंट अचीव करना है अगर सिक्सटी फाइव परसेंट अचीव हो रहा है तो अपना जो टेस्ट है वो पॉजिटिव वे में जा रहा है पर अगर सिक्सटी फाइव परसेंट नहीं हो रहा है तो वो अपना नेगेटिव वे में जा रहा है तो अपन को उस पर ध्यान देना रहता है तो इस चीज़ को चेक करने के लिए यहाँ पे सारे चीज़ बताए गए हैं तो इस पर आप ध्यान दीजिए और इसको एक बार प्रैक्टिस करिए निकालने का कोशिश करिए खुद से एग्जांपल लेके ठीक है और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करें कांटेक्ट करें तो हम क्लियर करवाएँगे ठीक है